इधर देखो गाइस, देखो टिनटिन कितना थक चुकी है। मैं नहीं थकी। हेलो गाइस, देखिए मम्मी की हिम्मत नहीं हो रही है, मम्मी आज व्लॉग नहीं बना पाएगी इसलिए हमें बनाना पड़ रहा है। मम्मी थोड़ी मोटी है ना, क्या कर सकते हैं पीठ में। टाइम बाद मिली है ना, स्माइल। जय माता दी। दोस्तों आज मैं भाइयों को लाई हूँ संतला माता के दर्शन के लिए, जो देहरादून शहर से है 6 किलोमीटर दूर। गाड़ी से वहाँ तक जाना होता है और पैदल मार्ग है 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना और बाद में 2 किलोमीटर नीचे उतरना। तो गाइस देख सकते हैं ये नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं जहाँ से हम लोग पैदल ऊपर चढ़े हैं। ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। ऊपर जाने के बाद प्रसाद सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। और आमतौर पर इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन आज हम लोग शाम के टाइम आए हैं तो भीड़ बहुत कम है। हम जिस भी मंदिर में जा रहे हैं हमें बहुत आसानी के साथ माता के दर्शन हो जा रहे हैं। आप भी इस मंदिर में आइए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। मंदिर में आने के बाद आसानी के साथ पूजा हो जाती है, किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपकी श्रद्धा है, जितना आप चढ़ावा चढ़ाइए, दीजिए ना दीजिए, यहाँ के जो पुरोहित होते हैं वो कभी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह से माता के दर्शन किए और आप लोगों को भी दर्शन कराए। पन चढ़ा दूँ वहाँ पे जी, हाँ जी लोगी है। नंदी इसी के साथ दोस्तों अपने इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोग भी माता के दर्शन के लिए आइए, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर व्यू है। आप नीचे नदी में पिकनिक कर सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है पिकनिक करने के लिए। फैमिली के साथ आइए, माता का आशीर्वाद लेके जाइए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।